है, ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, जो वेदास में बिलीव करते हैं, वेदों में बिलीव करते हैं, तो वेदांत, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य और योग, ठीक है, ये छह है। नास्तिक में कौन से है, जो अनऑर्थोडॉक्स हैं, जो वेदों पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो भगवान पे यकीन करता है, नहीं, भगवान से नहीं लेना देना। यहाँ पे वेदों में जो मानता है वो है आस्तिक, जो हाँ बोलिए। वेदों में नहीं मानता एक वो मिनट, हाँ एक मिनट, मेरा वो क्लास चालू हो गया ना तुम्हें, सॉरी। तीन नास्तिक है, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और चार्वाक, ठीक है, ये तीन है। बस इतना ही जानना है हमें कि इतने इसी लेवल पे रहना है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा इधर बाप रे इतना सिंपल, बट हाँ इतना ही जाना है, इससे डीप कभी क्वेश्चन आएगा नहीं लॉजिकल रीजनिंग में। जहां पर आएगा हम वहां पे ज्यादा डीप में जाएंगे। मैम हाँ प्रमाण से पढ़ प्रमाण ही पढ़ रहे हैं ना, पर प्रमाण किसके अंदर, किसने बताया है प्रमाण? स्कूल ऑफ थॉट्स में बताया गया है ना, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है उसका, क्या? स्कूल ओके ऑफ थॉट्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है हल्का सा, वो इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा अभी आ गया ना प्रमाण। तो ठीक प्रमाण क्या है वेदांता में, तो प्रमाण मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट नॉलेज। प्रमाण क्या होता है, जहां से हम अपनी नॉलेज को लेकर आते हैं या प्रूफ को लेकर आते हैं, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो वेयर वी गेट नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण। प्रमाण में हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, ठीक है। अब हम इनको एक एक को अब डीप में पढ़ेंगे आगे। प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, शब्द क्या है, अर्थपत्ति क्या है, और अनुपलब्धि क्या है। तो प्रत्यक्ष का मतलब है लिटरली मीन्स दैट विच इज परसेप्टेबल टू द आईज और इज विजिबल, जो हमारे आंखों के सामने है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है, ठीक है, विच इज विजिबल, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। इतनी बात समझ में आई, यस ठीक है। अब ये नीचे मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखी है, उसकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रत्यक्ष में ये है कि प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे आंखों के सामने है, ठीक है, दैट्स इट। प्रत्यक्ष अब दो टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या है, डायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है, और रिमेम्बर्ड परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन जिस जो हमारे सामने है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुलाब जामुन हमारे आंखों के सामने रखा हुआ है, तो हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। इसमें इंग्लिश का नाम भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी का नाम भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी इंग्लिश में भी अनुभवा दे देंगे या तो फिर डायरेक्ट परसेप्शन दे देंगे, कुछ भी लिख के दे देंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना मैं सिर्फ इंग्लिश का याद कर लूँ या और हिंदी का रहने दूँ, तो दोनों याद करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट परसेप्शन मतलब अनुभवा, एंड रिमेम्बर्ड मतलब जो चीज को हम याद करके, जैसे हमने अभी मैंने गुलाब जामुन देखा और फिर दोपहर को थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मेरे दिमाग में एकदम से वो गुलाब जामुन की पिक्चर आ गई, मैंने याद किया कि यार मैंने तो सुबह वो गुलाब जामुन देखा था, वो कितना टेस्टी था, है ना। तो ये दो टाइप के प्रत्यक्ष होते हैं, एक तो डायरेक्ट जो आप अपनी आंखों के सामने डायरेक्टली उसको फील कर रहे हो, देख रहे हो, और एक है जिसमें आप याद करते हो, जो आपने देखा था उसको आप याद करते हो। तो ये दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट परसेप्शन, रिमेम्बर परसेप्शन मतलब अनुभवा एंड स्मृति। इतनी बात समझ में आई, यस ओके। अब अगर इसको प्रत्यक्ष को और ज्यादा डीप में अगर हम डिस्टिंग्विश करें, तो दो टाइप का होता है, एक है निर्विकल्पा, निर्विकल्प, एक हो गया निर्विकल्प, और दूसरा हो गया सविकल्प, सविकल्प, ठीक है। तो निर्विकल्प क्या होता है, निर्विकल्प वो होता है जिसमें आप वो चीजों को, जैसे हमें जब हमारी समाधि लग जाती है, ठीक है, तो जब समाधि लगने के बाद जो हमें फील होता है, जो हमें दिखता है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो चीजें जो इस दुनिया की नहीं है, ठीक है। तो निर्विकल्प क्या है,
जो चीजें हमें फील होती है, अनुभव होती है, हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, ठीक है, हम उसको बता ही ना पाए कि कोई ये चीज हमें कैसा फील हो रहा है ना। जैसे समाधि जिसकी लग जाती है, क्या वो कभी बता पाया है? आपने कभी सुना है कहीं पर भी कि वो बता पाया है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या दिख रहा है? वो बोल ही नहीं सकता, वो बता ही नहीं सकता उसको कैसी फीलिंग है, ठीक है। तो वो है निर्विकल्पा। और सर्विकल्पा क्या है? सर्विकल्पा वो चीज है जो आपने इसी भौतिक जगत की चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एलियन देख लिया, ठीक है, आपने एक एलियन देख लिया, आपने ऐसे अंदर सपने में देख लिया, फील कर लिया, ठीक है। तो पर उस जैसे छह पैर वाला आपने कोई एलियन देख लिया, तो वो चीज क्या है? आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आप उठोगे अचानक से, आपने देख लिया उसको कहीं पे, तो आप किसी दूसरे बंदे को मिलोगे तो बोल सकते हो, यार मैंने आज ना एक अलग तरीके का एलियन टाइप इंसान देखा, जिसके छह पैर थे, उसकी चार आंखें थी, उसकी 10 पूंछ थी, ऐसे ऐसे करके, मतलब आप उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया सर्विकल्पा, जो भौतिक जगत की होती है। और एक होती है निर्विकल्पा, जो हमें, हम जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो इस जगत की नहीं है, ठीक है, जैसे समाधि लगने के बाद, योग क्रिया करने के बाद जो हमें फील होता है। ये दो डिफरेंस समझ में आए? अपने वर्ड्स में लिखते रहना, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे अगर आपको बेसिक समझ में आ गया मतलब, तो कितना घुमा ले, कितना घुमा ले, आप आंसर कर सकते हो। पर अगर बेसिक ही नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष के हमने क्या, कितने टाइप पढ़े? एक तो हमने पढ़ा कि एक है अनुभवा, जो हमारे आंखों के सामने, जैसे गुलाब जामुन आंखों के सामने हम देख रहे हैं उसको। दूसरा है स्मृति, मतलब जो हमने देखा था उसको फिर हम याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको अगर और डिस्टिंग्विश किया गया तो एक था निर्विकल्पा, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो फीलिंग हमें होती है, जो हम देखते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और वो इस जगत की तो नहीं है, हमारे भौतिक जगत की चीज नहीं है वो, ठीक है। और एक होता है सविकल्पा। सविकल्पा क्या है? जो इसी भौतिक जगत की है, और जो इजिली हम जिसको बता सकते हैं, जिसको हम इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर निर्विकल्पा में हम चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और इस जगत की तो नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes. बच्चों बोलो, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? मैं बोलो, मैम जो समाधि आप बोल रहे हो बता ही नहीं पाता, मैम जो इसकी समाधि लग जाती है वो तो महाराज बन जाते हैं, और वो मतलब शांत हो जाते हैं। देखो मतलब आप वो एक अलग चीज बोल रहे हो, आप अलग चीज बोल रहे हो, आप उसमें, मैंने कहा ना ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है हमको, मैंने, अब वो सब चले जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, पर बाबा बनने के बाद भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना वो लोग, पर नहीं करते ना मैम, वो मर जाते ना मैम वो। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, समाधि लग गई तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया ना बंदा अपने आप को, बता ही नहीं पाया ना वो। सॉरी, आई जस्ट वांट टू आई वांट मेक माय बटन बोलो। भगवान बुद्ध के उनको उनको जीते जी समाधि लगी थी, उन्होंने ये बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान पाया था, तो वो मर तो नहीं गए थे ना, उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, जीते हुए भी आपको लिबरेशन मिल सकता, दैट इज व्हाट द मीन समाधि, इट्स नॉट ऑल अबाउट द ऋषि मुनि और जो उनको समाधि लगा देते, ऐसा नहीं है, दिस देयर चॉइस, बट इन लिविंग बाय लिविंग ऑल्सो वी गेट द लिबरेशन, दैट्स व्हाट दे मीन, एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है जिनकी समाधि लग गई, समाधि लगते उन्होंने जान छोड़ दी, ऐसा नहीं है, वो उनके हाथ में है, ठीक है। समाधि लगने के बाद जान छोड़ना भी अपने हाथ में है, आपको जान छोड़नी है और या नहीं छोड़नी तो वो भी आपके हाथ में है, ठीक है। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, इट्स योर विश, टोटली योर विश। तो अभी आज तो ये क्लियर हुआ होगा कि समाधि लगने के बाद इंसान, हर कोई नहीं मरता, ठीक है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसने क्या फील कर दिया। भाई मैं योगा पढ़ रही हूँ, मैं बताओ एक बेसिक लेवल पे हूँ मैं, बहुत बेसिक, जब मैं योगा पढ़ रही हूँ स्टिल मैं लोगों को नहीं बता सकती कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। उपनिषद जो मैं पढ़ रही हूँ मैं लोगों को नहीं बता सकती, ठीक है, मतलब बहुत डीप में नहीं बता सकती। पहली बात तो लोग इतना पेशेंटली है ही नहीं कि सुन ले बातों को, हर कोई इंटरेस्ट नहीं है,
है ना इंटरेस्टेड नहीं है, और उस चीज को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है जो चीजों को हम इतना डीपली पढ़ते हैं। तो वो तो समाधि लग गई भाई, वहां पे तो समाधि लग गई, मतलब वो किस लेवल पे है वो, तो वो क्या ही एक्सप्रेस कर पाएगा जो वो फील कर रहा है। चलो एनीवेज इतना डीप में हमें जाना ही नहीं था, मैंने पहले ही कहा था हाँ, इसलिए मैंने पहले ही वार्निंग दी थी प्लीज इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वही वही इसमें जीवन मुक्त विधेय मुक्त ये सब आते हैं ना, ये बहुत डीप हो जाता है, हमें लॉजिकल रीजनिंग में हम ये सब नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। ठीक है तो अब हम करते हैं सविकल्पा की बात। ठीक है हमें दूसरी दुनिया की बात करनी नहीं है, मतलब निर्विकल्पा की हम बात करेंगे ही नहीं। ठीक है जो इस जगत की नहीं है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, योगा नहीं है। हम करेंगे सविकल्पा की बात। ठीक है तो ये दो टाइप का होता है, एक तो लौकिक और एक होता है अलौकिक। ठीक है लौकिक क्या है, जो इस दुनिया का है। ठीक है एक्सपीरियंस्ड विद सेंसेस, आंख नाक हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी त्वचा हमारा जीभ है ना हमारे कान, इनसे जब हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं है ना, हमारी जो फाइव सेंसेस है जब उनसे हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आ जाता है लौकिक में। ठीक है जैसे कि अब एक बार चीज एग्जाम में आ जाती है कि बताओ इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है लौकिक में, चक्षु घ्राण श्रोता त्वक रसना, ये तो हम सबको पता है कि बताओ कौन कौन से वो पांच सेंसेस हैं, ऐसे पूछ लेते हैं और हिंदी के नाम दे देते हैं तो उनको लगता है अरे बाप रे क्या तोप क्वेश्चन पूछा है, पर उनको ये नहीं पता कि योगा वाले बच्चे थे कुछ भी नहीं है इनके, है ना। तो लौकिक में क्या हो गया, ये आ गया। अब अलौकिक क्या है, जो चीज लोक में ना हो फिर भी वो चीज समझ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल भगवान। ठीक है कि कोई है हमारे ऊपर, इस जगत के तो नहीं है भगवान भाई, भौतिक जगत के तो नहीं है, बट स्टिल हमें ऐसी फीलिंग है, हमारे अंदर ऐसी एनर्जी है, हमारे अंदर वो पावर आती है, कहाँ से आती है। ठीक है कि कोई है हमारे ऊपर हमें वो पावर देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हम अगर बहुत डिमोटिवेट हो गए या डार्क साइड जा रहे हैं तो हमें खींच के भी कोई निकालता है, तो हमें वो नॉलेज है कि कोई चीज है जो इस जगत की नहीं है पर है हमारे लिए, है हमारे ऊपर है। ठीक है तो वो आ जाता है अलौकिक, जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है हमारे सेंसेस से, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने है, जैसे कप है तो हम आंखों से देख रहे हैं तो वो हो गया लौकिक, पर जैसे भगवान है वो हम उनको अपने आंखों से हमारे सेंसेस से नहीं देख सकते, बस हम उनको ऐसे फील कर सकते हैं, हमें पता है ऐसी कोई चीज है ना, तो आ जाता है अलौकिक। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेंस विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल भगवान ले लेते हैं, भगवान अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेंसेस में नहीं है। ठीक है हम अपने सेंसेस से उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते या फील नहीं कर सकते। ठीक है पर इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी चीज देख रहे हैं वो हमारे सेंसेस से हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बोलो। नो तो हमने क्या पढ़ा था पहले, प्रत्यक्ष के कितने टाइप होते हैं, चार बताओ। दो टाइप होते हैं अनुभव और स्मृति, एक तो अनुभव और स्मृति, निर्विकल्प और सविकल्प। इसमें हमने बोला और फर्दर अगर डिवाइड करें तो चार नहीं है, और फर्दर डिवाइड करें तो और दो हो जाते हैं, निर्विकल्प एंड सविकल्प। सविकल्प के अब हमने दो टाइप पढ़े, पहला क्या था अलौकिक अलौकिक। आगे बात समझ में, इतनी समझ में आई सारी, कोई डाउट नहीं है ना इधर तक। चलो अब चलते हैं अलौकिक की तरफ। ठीक है अलौकिक में अब क्या है, अब ये दो टाइप के होते हैं, सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण। ठीक है सामान्य लक्षण मतलब परसेप्शन ऑफ क्लासेस, द सेंस बाय विच वी सी एन ऑब्जेक्ट आल्सो गिव अस नॉलेज ऑफ क्लास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल सामान्य लक्षण मतलब आपने एक बॉक्स है, ठीक है कोई भी एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स को कभी देखा नहीं है, ठीक है बट आपकी मम्मी बोलेगी कि बेटा जा अलमीरा में ऐसे ब्राउन कलर का एक बॉक्स रखा है जिसके ऊपर ऐसे रेड कलर का कोई डिजाइन बना हुआ है और वो सेकेंड शेल्फ में रखा है, जाकर उसको लेकर आ जा। आपने कभी वो बॉक्स देखा नहीं है, कभी भी नहीं देखा, आप फिर भी जाओगे अलमीरा में, खोलोगे
सेकंड देखोगे आप देखोगे कि ब्राउन कलर का रखा है, उसके ऊपर रेड कलर का लोगो भी है, तो यही वो सामान है। तो आप वो लेकर आके अपनी मम्मी को दे दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सामान्य लक्षण, मतलब सामान्य लक्षण हो अगर किसी चीज का तो भी आप उसको ऐसे पहचान जाते हो। Perception of classes, the senses by which we see an object also give us knowledge of the class universe of that object. आपको अगर यही बता दिया जाए ना कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, है ना, वो दिखने में कैसा है, अगर आपने कभी उस चीज को देखा भी नहीं होगा और आपको बस यही पता है कि वो उसके रंग रूप ये सब कैसा है, तो आप जब उसको वो सामने आ जाएगा ना आपके, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि अच्छा ये तो वही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कोई सिस्टर है, है ना, वो उन्होंने मेरे को बोला मेरी फ्रेंड आएगी, ऐसे बहुत भीड़ है वहां पे, मेरी फ्रेंड आएगी और तेरे को उसको बुक देकर आनी है, ठीक है। मैंने कभी उस फ्रेंड को देखा नहीं, पर मेरी बहन ने मुझे बता दिया उसका रंग रूप कैसा है, वो क्या पहन के आने वाली है, वो कैसी दिखती है, उसके बाल ऐसे लंबे हैं, उसकी आंखें कजरारी है, उसने ये पहना है, तो मैंने कभी उसको देखा नहीं है, ठीक है। बट भीड़ है बहुत लोगों के बीच में भी, क्योंकि मैं उसकी सिमिलैरिटीज, उसके जो चीजें हैं वो मेरे को मेरी बहन ने बता दिया, तो जब मैं जाती हूँ और जाके थोड़ा सा भी देखती हूँ तो मैं उसे पहचान जाती हूँ तुरंत। इसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। ये बात समझ में आई? हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। बच्चे सो गए क्या? आज की थ्योरी की क्लास है। उमेश, शालिनी, रुचि, रश्मि, किरण, गायत्री, दिव्यानी, अरुणा, आंचल, चिंकल, मल्लिका, हाँ बोला, हाँ हाँ, बाकी बच्चे किधर है भाई? और मैंने ना बोला, नहीं ना बोला क्या आंचल ने? क्या हो गया आंचल, ना क्यों बोल दिया? नहीं मैम, मैंने नहीं कहा ये ना। अच्छा अच्छा, किसने कहा था ना? क्या नहीं समझ में आया बताओ? को समझ में नहीं आया क्या, ऐसा है क्या आपने ऐसे पूछा? तो नो बोला था, किरण ने बोला था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा तुमने बोला कि समझ में नहीं आया, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्य लक्षण समझ में आ गया, जिसके लक्षण सेम हो, आपने कभी उस चीज को देखा ना हो, फिर भी आपको अगर बताया जाए, आपको पता है उसके बारे में, तो आप जब भी उसको देखोगे तो आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ ये वही चीज है, ठीक है। उसके बाद है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी आइस को देखते हो, ठीक है, आपने टीवी में बर्फ बर्फ हो रही है, ठीक है, तो आप अपनी आंखों से उसको देखते हो ना टीवी में, बट फिर भी हमें थोड़ी सी चिलिंग फीलिंग आती है कि हाँ थोड़ा ठंडा सा लगता है, ठीक है। मतलब कि जब एक सेंसेस दूसरी सेंसेस का काम करता है तो उसको बोलते हैं ज्ञान लक्षणा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कोई पत्थर है आपकी आंखों के सामने, ठीक है, और उसकी जो ऊपर जो है ना, ऊपर वाली जो एरिया, वो बहुत ही नोकीला है, ठीक है, एकदम ऐसा नोकीला कि आपकी उंगली भी लगी तो आपकी उंगली कट जाएगी। आपने अपनी आंखों से देखा उसको कि ये पत्थर जो है बहुत ही नोकीला है, अगर मेरा हाथ इसमें लग गया, आपको पता है, ज्ञान है उस चीज का, पहले तो कभी हो चुका है कि कोई नोकीली चीज से आपकी उंगली कट गई होगी, ऐसा ज्ञान है आपको, तो उस ज्ञान की वजह से जब आप दोबारा वो पत्थर को देखोगे अपने आंखों के सामने, तो आप उससे देखते ही दूर हट जाओगे कि नहीं नहीं इससे तो मेरी उंगली कट सकती है। तो जब एक सेंसेस दूसरी सेंस का काम करती है, एज इन कि उंगली कटना कौन सा सेंस है, वो टचिंग में आता है ना, वो टचिंग वाला सेंस है, पर आप अपनी आंखों से ही देखकर समझ जाते हो कि मेरी आंखों से मैंने देखा और तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं इसको टच करूंगी, टच वाला सेंसेस लगा दूंगी तो मेरे उंगली कट जाएगी, ठीक है। तो जब एक एक जब जब एक हमारी सेंस दूसरी सेंस का काम करे तो वो आता है ज्ञान लक्षणा में। ये समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें, और कुछ एग्जांपल चाहिए या क्लियर है पिक्चर? क्लियर है मैम। When our one sense organ is the work of another sense organ, ठीक है? Okay, third है किसी का, अलौकिक का third है योगजा। योगजा मतलब intuition, perception of the yogis. Perfect yogi intuitively perceive all object and even past object. मैं mute कर रही हूँ, मैं इसे mute कर लो। उपेशा शायद हो गया unmute. ठीक है,
योगजा मतलब कि जो इंट्यूटिव परसेप्शन होता है, इंट्यूशंस, ठीक है, जैसे पास्ट को देख लेना, फ्यूचर को देख लेना, एक जगह पे बैठे बैठे दुनिया के दूसरे कोने में देख लेना, और ये पावर किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ योगी इसके पास होती है, ठीक है। तो इस पावर को, इस इंट्यूटिव परसेप्शन को योगजा कहा जाता है, और नाम भी देखो इसका योगजा दिया है, क्योंकि ये योगी ही कर पाते है ना, उनके अंदर ये पावर होती है। तो इंट्यूटिवली परसीव ऑल ऑब्जेक्ट्स को, सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे देख लेते हैं वो, ठीक है, कहीं से भी बैठे बैठे देख लेते हैं, पास्ट टेंस में भी देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी देख लेते हैं, फ्यूचर का भी देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं योगजा। यहां तक किसी को कोई, हाँ सिद्धिया, करेक्ट, यहां तक किसी को डाउट है? नो, प्रत्यक्ष पढ़ा, प्रत्यक्ष के हमने टाइप पढ़े, क्या पढ़े थे? अनुभव और स्मृति, ठीक है, और दो टाइप पढ़े, निर्विकल्प और एक और क्या था? सविकल्प, सविकल्प, फिर सविकल्प का हमने, हाँ सविकल्प के और दो टाइप पढ़े, क्या पढ़े थे? लौकिक और अलौकिक, अलौकिक, फिर अलौकिक में हमने तीन टाइप पढ़े, पहला क्या था? समान लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगजा, जनन लक्षण, योगजा। क्लियर है इतनी पिक्चर? यस मैम। चलो ये था हमारा प्रत्यक्ष का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना प्रत्यक्ष था, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, अभी फिलहाल हमें सिर्फ थ्योरी समझनी है। अनुमान प्रमाण, ठीक है, अनुमान प्रमाण मतलब कंक्लूजन निकालना, जिसको इन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो अनुमान में क्या होता है? हियर द नॉलेज इज गेन नॉट थ्रू एनी सेंस ऑर्गन बट थ्रू अनुमान और अजम्पशन। यहाँ पे आपके सेंस ऑर्गन काम नहीं करते, यहाँ पे आप क्या करते हो? अज्यूम करते हो, गेस करते हो, ठीक है, अनुमान लगाते हो। वी अज्यूम नॉलेज ऑफ व्हाट वी डोंट सी फ्रॉम व्हाट वी सी, ठीक है, जो हम नहीं देख पाते, ठीक है, जो हमारे सामने है उसको देखकर हम उस चीज का अनुमान लगाते हैं जो हम देख नहीं पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अज्यूम द फिजिकल और इमोशनल पेन व्हेन वी सी समवन क्राइंग और वी कैन रिलेट फायर विद द स्मेल ऑफ स्मोक, ठीक है, जैसे कि हम किसी को रोते हुए देखते हैं है ना, तो हमें ऐसा फील होता है यार इसको पक्का कोई तकलीफ है ना, ये तो कोई दुख में है या इसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अज्यूम ही कर रहे हैं ना, हमें क्या पता नाटक कर रहा रोने का, हम क्या जाने, प्रूफ थोड़ी है हमारे पास कि सच में कोई, पर हम क्या करते हैं, हमारा काम है गेस करने का, हम बस गेस ही करते रहते हैं, हम हमेशा गेस करते हैं, आप लोग भी करते हो यार, लगता है यार इसको ये हुआ है, लगता है इसको कुछ तो दिक्कत है ना, लगता कोई है लास्ट ईयर का पेपर इजी आया था इस बार का हार्ड आएगा, नहीं लगता, अब लास्ट ईयर का पेपर इजी आया था लगता थोड़ी करोगे, वो थोड़ी एज्यूम करोगे, वो तो पता है वो हमारे सामने है, हाँ फ्यूचर का एज्यूम कर सकते हो कि यार पीछे का पेपर ऐसा आया था तो हो सकता है, then we can assume कि जो फ्यूचर का पेपर है वो शायद टफ है, ऐसे यही तो बोला मैं, मैम की आवाज सुन के लगता है कि मैम बहुत ब्यूटीफुल होंगी हाँ ये ऐसे भी कर सकते हो अभी तक देखा नहीं है, ओके थैंक यू सो मच, मेरे को देखो बिना देखे मुझे तारीफ मिली है, चलो तो ये आप समझ गए, अब ये अब अनुमान समझ गए हो, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे अनुमान में? No, ma'am. ये अनुमान से ना ये इन्फ्रेंस याद रखना, ये वर्ड ठीक है, अनुमान से ये इन्फ्रेंस वर्ड याद रखना। शोभा जी बोलो, हमने तो ऐसा पहले आपको देखा नहीं था ना, तो ऐसा सोचा था कि आप सिखा रही हो ना, तो हाँ. आप बहुत एक्सपीरियंस टीचर होगी, स्टूडेंट हाँ. नहीं है ऐसा सोचा था हाँ कोई बहुत बड़ा टीचर होगा कोई, मतलब अच्छा अच्छा बुड्ढी जैसे बुड्ढी वाली होती है, व्हाइट बाल वाली, yes, नहीं व्हाइट बाल वाली बुड्ढी नहीं समझा, ऐसा नहीं समझा, लेकिन तो एकदम बड़ा टीचर अनुमान में। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये इसमें अनुमान जब हम लगा सकते हैं जब हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके होते हैं, मतलब जैसे कि पहले हमको हमने देखा कि
क्लाउड्स आते हैं, बादल होते हैं, तो फिर बारिश आती है. Correct. तो जब बादल आएंगे तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बारिश आएगी. यस यस, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अनुमान के टाइप्स को. ये आई गया, ठीक है. तो अनुमान अब क्या है, गौतम हैज क्लासिफाइड अनुमान इनटू थ्री कैटेगरीज. क्या क्या है? पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टा. तो पूर्वत का क्या मतलब है, किसको पता है, बताओ भाई. पूर्वत का मतलब किसी को पता है? पहले एग्जाम्पल दिया पूर्वानुमान. हाँ, तो पूर्वत का मतलब होता है कि जैसे आपने देखे भाई काले बादल, ठीक है, बस बादल ही देखे काले. इस काले बादल को देखकर आप फ्यूचर को जब एज्यूम करते हो, फ्यूचर को, कि लगता है काले बादल आए हैं, लगता है बारिश होएगी, ठीक है, लगता है बारिश होगी. ये क्या, फ्यूचर को आपने प्रेडिक्ट किया. अभी को देखकर फ्यूचर को आपने जब प्रेडिक्ट किया तो वो पूर्वत हो जाता है. शेषवत क्या है, रोड की प्रीवियस एक्सपीरियंस लगाया कि बारिश होगी, घटना. हाँ, तो शेषवत क्या है, जैसे आपने देखा कि आप सुबह उठे और आपने देखा रोड गीली है, ठीक है, रोड गीली है. तो आपने देखा यार रोड क्यों गीली है, ऐसे तो कोई ट्रक थोड़ी आएगा जो पानी फेंक के जाएगा. तो पक्का कोई तो बारिश हुई होगी, शायद पहले बारिश हुई होगी इसलिए रोड सड़क गीली है. मतलब आपने क्या प्रेडिक्ट किया, आपने पास्ट टेंस को प्रेडिक्ट किया, है ना. तो पास्ट टेंस को जब प्रेडिक्ट कर रहे हो तो शेषवत हो गया, और जब फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो पूर्वत हो गया. ठीक है, आई बात समझ में? यस, ठीक है. अब सामान्य तो दृष्टा एक्सप्लेन करो भाई. सामान्य तो दृष्टा को एक्सप्लेन कर दो. प्रेजेंट डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट. हाँ, एक्सप्लेन कर दो अच्छे से. जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है. पिंक कलर है तो वो पिंक कलर ही है, कोई दूसरा कलर नहीं है ऐसा. ओके, ठीक है. तो सामान्य, हाँ बोलो. जैसे आपने ही एग्जांपल दिया है मून जैसे डिफरेंट पोजीशंस लेता है, उसको देखने का इंटरवल्स जब होते हैं तो हमें अनुमान होता है कि मून का मूवमेंट हुआ है. हाँ, तो मतलब एज इट इज जो चीज सामने है हमारे, ठीक है, उसको वैसा ही अनुमान लगा लेना, ठीक है, जैसी चीज सामने है हमारे. तो सामान्यत हम जैसा देखते हैं उस आधार पे जो अनुमान किया जाता है, ठीक है. तो इस इन दिस देयर इज नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज बिटवीन फायर एंड स्मोक. द इन्फरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. ठीक है, हम कंक्लूजन किस, हाँ बोलो मैम. जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये गाय के चार पैर होते हैं. हाँ. तो सभी गाय के चार पैर होंगे, मतलब तो इस तरीके. हाँ. से सामान्य लक्षण हो गया. हाँ, तो क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ठीक है. पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि वो गाय के चार ही पैर होंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं एक गाय देखी व्हाइट गाय, इंडिया में हमने व्हाइट देख ली, और हम यूएस गए वहां पे हमने थोड़ी डिफरेंट कलर की गाय देख ली, जो होती भी है. तो जब हमने अपने इंडिया में चार पैर वाली गाय देखी जो वो करती है, एक ही साउंड निकालती है ना हर पूरी यूनिवर्सल, वो ऐसे करके, है ना, और उसके चार पैर होते हैं, दूध आता है उनसे, है ना. तो अगर हमारे इंडिया में कलर डिफरेंट हो स्टेट, बट है तो सेम, चार पैर है, वो कर रही है, सेम आवाज है. पर वही सेम अगर हम वैसा ही एनिमल कहीं और देखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है वो कोई और है, वो काउ ही है, है ना. क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है हमारा, कि हर जगह वही चीज है, सेम एज इट इज है, उसको गाय ही बोलेंगे. जो इंडिया में गाय है चार पैर वाली, वो कहीं और जाके हम देखेंगे तो वो भी गाय ही कहलाएगी. आई बात समझ में? इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्टा. जैसे पेट्रोल की गाड़ी, अगर वो यहाँ राजस्थान में पेट्रोल की चल रही है तो वो कहीं और स्टेट में भी जाएगी या आउट ऑफ कंट्री भी जाएगी तो वो पेट्रोल से ही चलेगी. कैसा भी समझ लो, गाय के एग्जांपल से समझ लो बेटर है.
पेट्रोल की गाड़ी का में थोड़ा डिफरेंट ही चले गया ना पेट्रोल की गाड़ी। नहीं आपने बोला ना यूनिवर्सल, तो उस हिसाब से। हाँ यूनिवर्सल मतलब वही फोर्ड की गाड़ी, अगर गाड़ी में जाना तो फोर्ड की जो इंडिया में गाड़ी चल रही है। हाँ, बोलो। ये एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एनिमल देखे अगर वो थोड़ा उड़ रहा है, इट हैज गॉट विंग्स, तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज बर्ड। तो एनिमल हमें पता नहीं, लेकिन अगर वो लैंड पे जाता है तो लैंड एनिमल ऐसे क्लासिफाई करते हैं, या वाटर में जाता है तो वाटर है। हाँ मतलब वही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है ना। हाँ, जो चीज आप जहाँ देख रहे हो, हाँ जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिफरेंट उड़ता हुआ कुछ देख लिया तो वो अभी बर्ड ही कहलाएगा। आपने हो सकता है पहले कभी देखा ना हो उस बर्ड को, पर क्योंकि वो उड़ रहा है, क्योंकि उसके विंग्स है, तो आप उसे बर्ड ही कह दोगे। ठीक है, कोई जानवर जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, अचानक से डिफरेंट टाइप का एक न्यू स्पीसीज आपको दिख गई, पर इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ और है, वो एनिमल ही है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो मैम, इसमें और एक एस्पेक्ट बताइए, वो जो सेकंड वाला जो आपने, फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस, हाँ तब मूवमेंट को प्रकट करता है। किसमें बता रहे हो, सामान्य तो दृष्टा में? सामान्य तो दृष्टा। ओके ओके ठीक है, ठीक है भाई बच्चों आगे बढ़े क्या? यस मैम। अनुमान के तीन टाइप है, पूर्वज, शेषवत और सामान्य तो दृष्टा। ठीक है ओके, अब यहाँ आते हैं, थोड़ा एक डिफरेंट चीज है। मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म हमने पढ़ा है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म हमने पढ़ा है, याद है कि भूल गए? यस मैम याद है ना। मिडिल टर्म क्या होता है, एक पी वन है, एक पी टू है और एक कंक्लूजन होता है। कॉमन निकलेगा जो, तो जो कॉमन वर्ड होगा, कॉमन वर्ड होगा वो कट हो जाएगा। और मेजर टर्म क्या होता है, जो ऊपर वाले सेंटेंस में एक वर्ड बच जाता है वो मेजर टर्म हो जाता है, और नीचे वाले सेंटेंस में जो एक वर्ड बच जाता है उसको माइनर टर्म बोलते हैं, माइनर। इतना याद आ गया सभी को? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी, क्योंकि आगे पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ। तो अब कैसे होगा, P1, P2 एंड C। P1 क्या है, ऑल स्मोक आर कॉज बाय फायर। P2 क्या बोलता है, द हिल हैज स्मोक। इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है? स्मोक और स्मोक कट गया, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म क्या हो गया, स्मोक। ठीक है, बताओ मेजर टर्म क्या है भाई, फायर। फायर है मेजर टर्म, और माइनर टर्म क्या है, हिल है ना। तो मैंने क्या बताया था, कंक्लूजन में कभी मिडिल टर्म आता है क्या? नो, कभी नहीं आता। ठीक है, तो क्या बच गया, देख लो भाई, द हिल बच गया, हिल क्या major, था, माइनर बच गया, और फायर क्या था, मेजर था। तो ये माइनर और मेजर बच जाता है, मिडिल निकल जाता है कंक्लूजन से। याद रखना क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं कि बताओ मिडिल टर्म, इतना इजी नहीं पूछेंगे, ऐसे घुमा के पूछते हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन के अंदर नहीं आता है, वो निकल जाता है। ठीक है, अब हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। मेजर टर्म को बोलते हैं साध्या, मिडिल टर्म को बोलते हैं हेतु, और माइनर को बोलते हैं पक्षा। ठीक है, मिडिल टर्म मेजर क्या है, मेजर को बोला जाता है साध्या, मिडिल को बोला जाता है हेतु, और माइनर को बोला जाता है पक्षा। इतना क्लियर है क्या मैम? क्या हो गया, सो रहे हो क्या? नो मैम। तो मेजर टर्म को साध्या बोलते हैं हिंदी में, मिडिल टर्म को हेतु बोलते हैं, माइनर को पक्षा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के नाम भी याद रखने, क्योंकि हिंदी का ही पूछ लेते हैं आधे से ज्यादा टाइम। मैम एक मिनट पीछे दिखाना प्लीज, ठीक है मैम। अब अनुमान के टाइप क्या क्या है, पहला टाइप है केवला अन्व्यायी। ठीक है, केवला अन्व्यायी मतलब पॉजिटिव इन्फ्रेंस, जहां पे जो सेंटेंस है हमारा, जो कंक्लूजन निकले हमारा, वो पॉजिटिव हो।
जैसे वेयर देयर इज स्मोक, जहां पे स्मोक है वहां पर फायर होगी, ये पॉजिटिव लाइन है ना, पॉजिटिव इन्फ्रेंस है, तो इसको बोलते हैं केवला अन्व्यायी। जहां पे नेगेटिव इन्फ्रेंस निकलता है उसको बोलते हैं केवला व्यातिरेकी, मतलब वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर, ये नेगेटिव हो गया, नो नो बोल रहा है नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया केवला व्यातिरेकी। और पॉजिटिव का क्या है, केवला अन्व्यायी। अब दो ये है अन्वय व्यातिरकी, अन्वय इससे लिया है और व्यातिरकी इससे लिया है, और दोनों को मिला के एक वर्ड बना दिया, मतलब जिसके अंदर जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव भी निकले और नेगेटिव भी निकले, मतलब वो दोनों बातें कर रहा है, ठीक है, दोनों दोनों बातों को जब वो बोलता है एक साथ तो उसको बोलते हैं अन्वय व्यातिरकी। जैसे वेन वेर देर इज स्मोक देर ऑलवेज एग्जिस्ट फायर, As in the kitchen is a positive correlation, anvyay vyatiraki. In the absence of fire, smoke is also absent, like lake is vyatirake vyapti, negative correl. भाई ये वाला जो example है मुझे कभी नहीं समझा, अगर आप लोगों को समझ रहा है तो मेरे को explain कर दो। कौन सा answer है ना? Where there is smoke, there always exists fire. As in the kitchen is a positive correlation, मतलब अन्वय व्यातिरकी है ये, और इन द एब्सेंस ऑफ फायर, और जब फायर नहीं है तो स्मोक इज ऑलवेज एब्सेंट लाइक ए लेक इज व्यातिरकी व्याप्ति। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मैम, इसमें ऑपोजिट को रिलेट कर रहे हैं। हाँ ऑपोजिट को रिलेट कर रहे हैं, पर कैसे रिलेट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। हाँ नो स्मोक नो फायर, जहाँ ये दोनों नहीं रहते हैं तो उसको कंपेयर किए हैं लेक में, लेक में नहीं तो स्मोक नॉर लेक फायर होता है, मुझे उतना ही समझ। अच्छा तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि जहां फायर होगी वहां डेफिनेटली धुआं होगा, इसकी वजह से ये वाला एग्जांपल लिया है यहां पे। हाँ मतलब अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाकी बच्चों को तो एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये एक चीज है जो मेरे को नहीं समझ। ये वाला एग्जांपल सूट करेगा क्या, जैसे अपन फायर में जैसे आयरन को लोहे को गर्म कर लेते हैं, हाँ। तो लोहा है ना जो एकदम गर्म हो जाता है आग के जैसे, आग हाँ। है लेकिन वो एक्चुअल में उसमें धुआं कहाँ है, फिर धुआं नहीं है। हाँ दोनों बातें हो गई। हाँ तो ये हम कर सकते हैं। यस यस देखो इन शॉर्ट हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या है, अन्वय व्याति का रेकी का मतलब है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हो, ठीक है, पॉजिटिव बात भी हो और उसके अंदर नेगेटिव बात भी हो, ठीक है। तो जैसे कि केवला एनवीआई में क्या था, पॉजिटिव था कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां पर भी स्मोक होगी जहां पर भी आप धुआं उड़ता देखोगे वहां डेफिनेटली फायर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फ्रेंस हो गया। नेगेटिव क्या है, वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर, जहां पे धुआं नहीं है वहां पे ऑब्वियसली फायर नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला हो गया। और एनवीआई व्याति रखी, इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें दोनों बातें होती हैं, ऐसे बस मैं इतना ही समझा सकती हूँ। ओवरऑल समझ में आई बात? यस मैम। बाकी बच्चे? यस मैम पॉजिटिव का समझ। तो आज हमने क्या पढ़ा? बहुत ट्रेडिशनल एग्जांपल है, मतलब हर जगह यही एग्जांपल रहता है, अभी तक कोई दूसरा एग्जांपल देखा नहीं मैंने। हाँ नहीं आता। अब देखो एग्जाम में भी लॉजिकल रीजनिंग का क्या है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना यही एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं। मतलब जब मैंने तब पढ़ाया था जब ज्ञान जी ने JRF किया था, जब मैंने उस टाइम पे भी जब पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था एग्जाम्पल वो ही सेम एज इट इज दो तीन क्वेश्चन आ गए थे एज इट इज। तो लॉजिकल रीजनिंग में एग्जाम्पल सेम आते हैं जो आप पढ़ते हो किताब में से। मैम क्योंकि ये क्लासिक प्रत्यक्ष में हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष में क्या पढ़ा था बोलो, डायग्राम क्लीन प्लेस पर बना दीजिए मैम। हाँ ठीक है समान पढ़ा, चलो हटाई देती हूँ। जैसे जलेबी खाई और मीठा लगा, एक्सपीरियंस से डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष में हमने क्या पढ़ा था,
पहला क्या चीज थी जो आंखों के सामने गुलाब जामुन का उदाहरण दिया? अनुभव और स्मृति। डायरेक्ट अनुभव और स्मृति दो प्रकार हमने बोला था, और इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो गया निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प अब हमने सविकल्प को दो पार्ट में डिवाइड किया था, लौकिक और अलौकिक। लौकिक अलौकिक लौकिक और अलौकिक अलौकिक। फिर हमने अलौकिक में पढ़ा था तीन सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगजा। उसके बाद इतना हमारा किसमें आया था? ये हमारा सिर्फ प्रत्यक्ष का था, यहाँ पे प्रत्यक्ष खत्म हो गया था। ठीक है, फिर अनुमान। नेक्स्ट पढ़ा था क्या? अनुमान, अनुमान, अनुमान प्रमाण। अनुमान में हमने क्या पढ़ा था? कितने टाइप के पढ़े थे? तीन टाइप के होते मतलब पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टा। शेषवत मतलब पास्ट और एज इट इज प्रेजेंट। सामान्य तो दृष्टा एज इट इज। ठीक है, ये हमने अनुमान में पढ़ लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा? मिडल मेजर माइनर टर्म। मेजर वो तो पढ़ लिया ना, उसके बाद हमने और भी तो टाइप पढ़े अनुमान के। क्या पढ़े थे अनुमान के और टाइप? केवल अन्वयी, केवला अन्वयी, अन्वय व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेकी। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बोलता है। ये पॉजिटिव बात बोलता है, ये नेगेटिव बोलता है और ये दोनों बातें बोलता है। इतना क्लियर है? यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो खत्म करें आज की क्लास। ओके मैम, धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। सी यू ऑन मंडे, हैव अ नाइस वीकेंड। यस सेम टू यू। मैं दो दिन एब्सेंट।